नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त महेंद्र मीना और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर टिप्स एंड मंडी भाव। दोस्तों, गेहूं का सीजन नज़दीक आ रहा है और हमारे किसान भाई अब गेहूं की नई नई वेरायटी की खोज में लग चुके हैं जो उनको ज़्यादा उत्पादन दे सके, रोगों के प्रति भी ज़्यादा सहनशील हो। तो सैकड़ों वेरायटी आती है गेहूँ की, मगर मैं आज आपको ऐसी बेस्ट वेरायटी बताऊँगा जो आपको ज़्यादा उत्पादन भी देगी, रोगों के प्रति भी ज़्यादा सहनशील रहेगी। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्टार एग्रो सीड के स्टार 325 गेहूं के बारे में, जिसकी आपको मैं विशेषता बताता हूं। एक तो इसमें अन्य वेराइटियों से ज़्यादा उत्पादन होता है, साथ में इसमें पीला रतुआ रोग नहीं लगता, जो बहुत बड़ी समस्या है गेहूं की फसलों में, बहुत देखने को मिलता है। तो और भी जानेंगे हमारे किसान भाई से जिन्होंने पिछले साल ये गेहूँ लगाया, कैसा क्या उनका उत्पादन रहा, कैसी उनको ये वेराइटी लगी। तो चलो अब जानते हैं उनसे। किसान भाई, अपना नाम बताएं दर्शकों को। जी, मेरा नाम नितेश मीना है। सभी किसान भाइयों को जय बलराम। पिछले साल आपने कौन सी वैरायटी लगाई थी गेहूं की? जी, मैंने स्टार 325 लगाई थी। इस वैरायटी में आपको किसी प्रकार का रोग या पीला रतुआ रोग देखा? जी, कोई पीले रोग की कोई भी शिकायत नहीं आई इसमें। स्टार 325 गेहूं का उत्पादन कैसा क्या रहा आपका? जी, हर साल से अभी तक जो लगाया है उससे 5 क्विंटल ज्यादा आवक हुई है उसमें। मतलब दूसरी वैरायटियों से 5 क्विंटल ज्यादा निकला? जी, 5 क्विंटल ज्यादा आवक हुई है। आपने इसमें कितने पानी लगाए थे? 4 पानी दिए हैं अपन ने। 4 पानी। और इस साल कौन सा गेहूं लगाएंगे? इस साल भी स्टार 325 ही लगाएंगे। यही सलाह देना चाहता हूं किसान भाइयों को भी, आप भी इस बीज का उपयोग करें और ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करें। जय बलराम। तो आपने अभी सुना हमारे किसान भाई को कैसे उन्होंने स्टार 325 गेहूं लगाकर ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसको लगाने का सही समय। तो इसका लगाने का सही समय होता है 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच। एक एकड़ में इसकी बीज की बात करें तो एक एकड़ में हमें लेना है 40 किलो बीज, एक एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। स्टार 325 का पकने का समय होता है 120 से 130 दिन। इसके पौधे की हाइट होती है 2.5 से 3 फुट होती है इस पौधे की हाइट। स्टार 325 गेहूं की बाली लंबी आती है, 6 से 6.5 इंच की इसकी बाली होती है और एक एकड़ में इसका उत्पादन 24 से 32 क्विंटल तक निकाला जा सकता है। और फुटाव की बात करें तो इस एक पौधे में 17 से 18 कल्ले निकलते हैं। इस वैरायटी में पीला रतुआ या फंगस जैसी कोई बीमारी नहीं लगती। ये इसका बीज शुरू से ही बीज उपचारित होकर आता है पैकेट में, तो इससे इसमें फंगस जैसी कोई बीमारी, मिट्टी जनित कोई बीमारी इसमें देखने को नहीं मिलती। इसका तना नीचे से मजबूत आता है तो इसमें गिरने की समस्या भी इस वैरायटी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है, उत्पादन भी आपको ज़्यादा मिलेगा इससे, रोगों के प्रति भी ज़्यादा सहनशील है, तो आपको फंगस जैसी कोई बीमारी इसमें देखने को नहीं मिलेगी, पीला रतुआ देखने को नहीं मिलेगा। आप भी स्टार 325 गेहूँ लगाकर ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।